नमस्कार, मैं हूँ जिया सिंह उज्जैन, राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत करती हूँ। जमशेदपुर में भारतीय महिला फुटबॉल महासंघ के वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान महासंघ के पुराने कमेटी को भंग कर नई कमेटी का चयन किया गया, जहां सर्वसम्मानित से मोहम्मद कासिम अंसारी को अध्यक्ष चुना गया। साक्षी स्थित एक होटल में भारतीय महिला फुटबॉल महासंघ की वार्षिक आम सभा आयोजित की गई, जहां इस वार्षिक बैठक में देश के कई राज्यों के प्रतिनिधि एवं फेडरेशन के सभी सदस्य मौजूद थे। पहले तो धन्यवाद कहेंगे इस कमेटी को, इस फेडरेशन को, भारतीय महासंघ फुटबॉल का, कि जो सारे हमारे टीम ने हमको चुना है, उसके लिए धन्यवाद। और इसके लिए अभी तक जो हम पहले उसमें भी बोले कि हमारा गठन हुआ है, इसलिए गठन हुआ है कि हम लोग इस फेडरेशन को नंबर वन पे ले जाना है। जिस हाल में भी इस फेडरेशन को, वुमेंस फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया को नंबर वन पे लाना है, जो नई दायित्व को चुना हुआ है, इसको एक कमेटी बना करके हम लोग इंडिया लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और रूरल ब्लॉक वाइज पे हम लोग जाएंगे, जिम्मेदारी दे करके और इसको तैयार किया जाएगा अच्छे से और खिलाया जाएगा। में ऐसे प्रतियोगिता हैं कि जिसको मौका नहीं मिला, उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज करके आप फिर ब्लॉक वाइज पे जाएंगे, ब्लॉक वाइज पे संगठन को कमेटी को बना करके और उससे रूरल जो भी प्रतियोगिता होंगे ट्रेनिंग देते हुए डिस्ट्रिक्ट में लेके जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में लेके जाएंगे। जो भी जिस लेवल के हैं खिलाड़ी, जो भी सुविधा है सुरक्षा के साथ, ये बच्चियों का है, सुरक्षा के साथ हम लोग इसको तैयार करेंगे और खिलाएंगे। खिलाड़ी को अच्छा तरह से ट्रेनिंग देकर खिलाया जाएगा।